तकरीबन 19 साल का जो एक लड़की है जिसको किडनैप करके उसका मर्डर किया गया। उसका किडनैप होके 3 दिन के बाद उसका बॉडी मिला और किडनैप होते ही कंप्लेंट दर्ज किया गया, फिर भी वो कहाँ गया क्या हुआ पता नहीं लगा सके। जो मर्डर किया गया था वो बॉडी 3 दिन के बाद मिलता है उस गांव में, जिसका बलात्कार करके रेप करके मर्डर किया, इसमें कितने लोग शामिल है, उन लोगों को जितने लोग है उनको एनकाउंटर करना चाहिए, खुलेआम एनकाउंटर करके उन लोगों को सजा देना चाहिए। भाइयों, आज के दिन हमारे जो कोली कब्बलगा एसटी होराट समिति और कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति, हम सब लोगों ने आपके सामने आए इस समय में। जो परसों के दिन बीदर जिला जो बसवकल्याण तालुका है, उस तालुका में एक गुणतीर्थवाड़ी बोल के एक गांव है, वो गांव में रहने वाले भाग्यश्री तकरीबन 19 साल का जो एक लड़की है जिसको किडनैप करके उसका मर्डर किया गया, उसका किडनैप होके 3 दिन के बाद उसका बॉडी मिला और किडनैप होते ही कंप्लेंट दर्ज किया गया, ऐसा किडनैप हुआ इस लड़की का बोल के, फिर भी वो कहाँ गया क्या हुआ पता नहीं लगा सके। 3 दिन के बाद उसका जो मर्डर किया गया था वो बॉडी 3 दिन के बाद मिलता है उस गांव में, जिसका बलात्कार करके रेप करके मर्डर किया, इसमें कितने लोग शामिल है। जो आजकल महिलाओं के ऊपर ऐसे हादसा हो रहे हैं कि महिला सुरक्षा नहीं है, ये महिला कर्नाटक राज्य में ऐसे बहुत से हादसा हो रहे हैं और भारत देश में देखे तो इससे 10 गुना हादसा ऐसे बहुत बढ़ रहे। इसलिए हम भारत सरकार को आग्रह कर रहे हैं, हम लोग जो आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी बच रही नहीं है, बेटी बेटी को रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, जे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हादसा हो रहे हैं। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं केंद्र सरकार को, एक जल्द से जल्द एक कानून जारी करो कि ऐसे रेप करके जो मर्डर करता है इसका जो हादसा साबित हुआ तो उन लोगों को जितने लोग है उनको एनकाउंटर करना चाहिए, खुलेआम एनकाउंटर करके उन लोगों को सजा देना चाहिए, वो उनका जो जुर्म है उसको सजा देना चाहिए। ऐसे कानून इंडिया सरकार जारी करने के लिए हम सब आग्रह कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो बीदर में हुआ कर्नाटक सरकार को हम लोग हमारे जो संगठन तरफ से एक ऑर्डर कर रहे कि हम आग्रह कर रहे हैं, ये जो अन्याय हुआ जिस घर को सिक्योरिटी देना चाहिए, जिस घर को परिहार के रूप में उसको सहायता करना चाहिए, और जिसके घर में एक नौकरी देकर सरकार उन लोगों की सहारा बनना चाहिए, ऐसा हादसा यहाँ पर कर्नाटक में भी बहुत सारे हो रहे कि कहाँ पर हादसा होते हैं वहां पर ऐसा जो जितने लोग रहते हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनको कानून की सजा देने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं।